राजेश, कल की एग्जाम का मुझे काफी टेंशन है। हाँ, मुझे भी। क्यों ना हम लोग बाबा जी को कॉल करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। गुड आइडिया, पर बाबा तो अभी सोए हुए रहेंगे। यादें, उन्होंने ही कहा था कि बाबा जी की कृपा हॉटलाइन है, जो हम लोग हर वक्त कॉल कर सकते हैं उन्हें। हाँ, तो कृपया कृपा हॉटलाइन का नंबर घुमाया जाए। चलो कॉल करते हैं। शांति है, शांति है, शांति है। मेरे प्यारे भक्तों, इतनी रात गए हमें याद किया। बाबा जी की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा जी, कल हम दोनों का एग्जाम है और हम लोग काफी टेंशन में हैं। चिंता ना करो, तुम पिछले वक्त जब मुझे मिलने आए थे तब मैंने पुड़िया दी थी, उनको साथ रखो, खोलो, पढ़ो और समझो। बाबा, जयेश पास हो गया पर मैं फेल हो गया, क्यों बाबा? अरे मूर्ख बालक, मैंने उस रात को कहा था वो पुड़ी साथ में रखो, उसे खोलो, पढ़ो और समझो। जो चाहोगे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, 100% मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ये बुढ़िया को साथ में रखूंगा तो पास हो जाऊंगा, कितना गलत था। लगता है उस जयेश ने पुड़िया को पढ़ लिया होगा। ना पागल हूं मैं। जो चाहोगे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, पर 100% मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा।